देखिए किसान भाइयों, उत्तराखंड के गांव में एक में हम पहुंचे हैं। कौन से गांव? नागनी गांव है भाइयों। एक किसान के पास में हम आए हैं। देखिए किस तरीके से खेती कर रहे हैं, किस तरीके का इनका हल है और ये कितना छोटा सा इनका खेत है, ये देख सकते हैं आप। इनका जीवन यापन करने का तरीका देखिए आप, किस तरीके की ये खेती करते हैं। आपका अभी आपको परिचय करवाता हूँ, देखिए। हाँ जी, एक बार रोक लो जी, एक बार। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? है जी, करमवीर सिंह जी। अच्छा, चलो रोक लो, एक बार रोक लो। हाँ तो जी, कहाँ कहाँ की खेती कर लेते हो आप? खीरा है, मक्का है, करेला है, लौकी है, अरबी है जी, सारी चीजें, धान है जी, जी सब चीजें। तो ये अपने खाने लागे होती होगी जी या ज्यादा हो जा? आधा आधा तो नहीं हो जाएगी, अपने खाने लिए हो जाए तो थोड़ा बहुत बिक्री कर लेते साग सब्जी। अच्छा अच्छा, बिक्री भी कर लो। अच्छा, यहाँ पे किसान के पास कितनी जमीन है लगभग? यहाँ पे जमीन बहुत है, वैसी इतनी भी नहीं, पर अपना पूर्ति करने के लिए हो जाए। जी जी जी, ये मक्का बो रखी है आपने? हाँ, मक्का बो रखा है। इसके भुट्टे बेचते हो आप? हाँ, भुट्टे बेचते। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर किसान की आमदनी कितनी फिर भी जी? आमदनी कुछ नहीं है, वैसे बस खाने का गुजारा चल रहा। अच्छा अच्छा, तो सरकार आपके लिए फिर भी क्या कर रही जी? सरकार ने तो अभी कुछ नहीं करा, अभी तो लॉकडाउन में फंसे हुए सब। लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। अच्छा, अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो ठीक ठाक हो जाए अपना जीवन यापन? इतना कहाँ होता, उसने मंडी भेजो, मंडी से डाउन रेट पे जाते रहते हैं। जी जी जी, उन्होंने अपना कमाया खाया, जी जी, जनता को बेवकूफ बना दिया। अच्छा अच्छा, तो इसमें पानी वानी की क्या व्यवस्था रहेगी आपकी? पानी तो नहर की है बस, नहर के पानी आते हैं। ये नहर चल रही है आपके सामने। अच्छा अच्छा, तो इसमें लाइट कैसी दे रही सरकार यहाँ पर? लाइट तो ये कीमत की लाइट है। कितने यूनिट? यूनिट का तो यहाँ ऐसे आता है, बिल आता है 2 महीने में, 3 महीने में। अच्छा अच्छा, 600 का, 1000 के लगा। अच्छा अच्छा, तो ये आपके मंडरी परली तरफ भी काम कर रहे जो? ये परली तरफ जो लग रहे, ये भी आपके है? तो एक बार इनसे मिलवा दो, आ जाओ। अच्छा अच्छा, इसका भी नेपाली भी रहते हैं? हमारे भी वहाँ पर। अच्छा अच्छा, ये बैल कौन सी नस्ल के जी आपके? ये तो यही के नस्ल के, ये बोनी नस्ल है यहाँ की। अच्छा अच्छा, तो इसका खाने पीने में क्या देख रहे हो जी ने? इसका खाने पीने में हरा घास है, आटा है, जैसे पिंडा होता है जी जी, चरी चूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा, धान की वो रख लेते होंगे पुराल? पराली होती है जी जी, घास, हरा घास खाती है। अच्छा अच्छा, धान की कौन सी वेरायटी लगाओ जी? कौन सी मर्जी लगा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई सी वैरायटी लगा लो। अच्छा अच्छा, चलो जी। और खेती बाड़ी ठीक चल रही? चली रही, बस ऐसे टाइम पास हो ही रहा। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव बताया जी आपने? ये हमारा जरार गांव पड़ता है। जरार? हाँ, जरार गांव। कौन सा जिला पड़ता है जी? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में जी। देखिए भाइयों, टिहरी गढ़वाल में है इनका, किसान भाई ने नाम बताया गाँव का। ये देखिए आपको यहाँ का टिहरी गढ़वाल का, उत्तराखंड का ग्रामीण जीवन दिखा रहा हूँ मैं आपको। इनका कितना कठिन कार्य करने का तरीका है देख लीजिए आप, किस तरीके का भी इनके पास में हल है, कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, इसमें जुताई के लिए पावर वीडर तो चल रहे हैं यहाँ पे? पावर वीडर जो है उससे कम होते हैं खुदाई ना। अच्छा, जितने ये खोदेगा इतना तो ये खोद रहे, देखो ना ये आप कितना खोद जा रही है। जी जी जी, हल से गहरी जुताई होती है, सही बात है जी आपकी। इसमें तो एक ब्लस्ट हो रहा है ना। जी 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 जी, पावर वीडर नहीं कर पाता इतनी, अब उसके तो इतने इतने दांतू है। जी जी जी, क्या कर लेगा जी? जी जी, वैसे यहाँ पे आ गए ना बहुत सारे पावर वीडर है यहाँ पे। अच्छा, जमीन उसके लिए वैसे जी 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 जी, यहाँ पे उतरने में दिक्कत पड़ेगी, बैल तो आ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, चलो जी। देखे भाइयों, बातचीत करी किसान भाई से हमने, आपको जानकारी दी। अच्छा जी, अच्छा ठीक, देख लीजिए आप, घिया भी लगा रखा है इन्होंने, गोल घिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरह की। आपको अब दूसरी वीडियो में पावर वीडर दिखाएंगे हम चलता हुआ।